तो पहला वारिस शाह वंडिया हूँ शिव कुमार की बारी है पुराने जख्म भुल गए और नवे की तैयारी उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया और जब मेरे पिताजी ड्राइंग रूम में गए तो उन्होंने उनको नौ गोलियां मार दी आ, आप कहाँ थे उस समय हाँ मैं ऊपर अपने बेडरूम में था तो आपने सुनी गोलियों की आवाज़ मेरे को लगा कि जैसे कोई गैस सिलेंडर फटा है इन मैनी वेज वी आर बैक टू नाइनटीन फोर्टी बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं मनीष जी कि जो दिल लगाने का ढब जानते हैं जो दिल लगाने का ढब जानते हैं वो तरकीब बरकीब सब जानते हैं <laughs> और जो तरकीब बरकीब सब जानते हैं जो तरकीब बरकीब सब जानते हैं वो ना दिल जानते हैं और ना ढब जानते हैं। क्या बात है? <laughs> लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और ये सरकार मोदी सरकार जा रही है कोई तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तेईस बड़े नेता अगर एक साथ नाराज हो जाए थी आपका भी नाम चला था कि आप भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे मुझे आप ये बताइए जो टू घोटाला था शायद आप लोग भी पत्रकारिता में थे उस टाइम उस समय आप दिखाते थे कि कितने जीरो हैं इतने जीरो गिने भी नहीं जा सकते में साथ लड़ रहे हैं साथ लड़ रहे हैं गुजरात में साथ लड़ रहे हैं गोवा में साथ लड़ रहे हैं चंडीगढ़ में साथ लड़ रहे हैं आप जिस नीतीश कुमार को कल तक गाली निकालते रहे उसको अलटू राम पलटू राम पत्नी क्या राम कहते रहे अब आपके लिए पलटू राम भारतीय जनता पार्टी किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करती है तो पहले उनको अपने अध्यक्ष मनीष तिवारी के हिसाब okay, okay, से कौन रहा है अरविंद केजरीवाल को दस में से कितने नंबर देते हैं सीएम के तौर पर नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 24 फोर में हूं मानक गुप्ता आज चाय वाला इंटरव्यू पूर्व केंद्रीय मंत्री और आनंदपुर साहब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का जो कि एक जाने माने वकील भी हैं और अपने जुझारू रुख रवैये के लिए पूरे देश में मशहूर हैं बहुत स्वागत मनीष तिवारी चाय वाला इंटरव्यू में बहुत बहुत धन्यवाद मानक जी आपके चाय वाले इंटरव्यू में मैं आज कॉफ़ी पी रहा हूँ <laughs> कॉफ़ी पियेंगे मैं चाय पीऊँगा दरअसल इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आराम से रिलैक्सड कॉन्वर्सेशन होता है आप कॉफ़ी पीजिए मैं चाय पीऊँगा लेकिन सवाल ज़रूरी नहीं है कि इतने अच्छे अच्छे होंगे चलो क्या माहौल लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार का चुनाव तो चुनाव सिर पर आ गया मनीष जी क्या लग रहा है देखिए 2024 जो चौबीस का चुनाव है वो इस देश के लिए एक बहुत निर्णायक चुनाव है और आ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश की जो कल्पना है ये चुनाव इस देश की कल्पना का स्वरूप तय करेगा मैं आपको इसका थोड़ा सा उल्लेख करता हूँ देखिए उन्नीस में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी से या आज़ादी के साथ जो बंटवारा हुआ जिसको पंजाबी में उजाड़ा कहते हैं उसमें से तीन चीज़ें निकली वो तीन चीज़ें ये थी इस्लामिक पाकिस्तान और भारत के दो ख्याल एक ख्याल जो ये मानता था कि धर्म के नाम पे विभाजन के बावजूद जिस भारत की हम संरचना करेंगे उसमें धर्म जात मज़हब प्रांत से ऊपर उठ के सब लोगों को एक बराबरी का दर्जा दिया जाएगा और उसी बात को आ, भारत के संविधान में जो आज़ादी के आंदोलन में लोग शरीक थे और जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने संविधान में ढाला भारत की एक दूसरी कल्पना थी जो ये समझती थी कि अगर भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है तो अगर मुसलमान पाकिस्तान बना है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए साठ साल तक जो लोग एक पंथ निरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखते थे वो इस देश के ऊपर काबिज़ रहे पिछले दस वर्ष से जो लोग ये मानते थे कि भारत की जो कल्पना है वो एक दूसरी कल्पना होनी चाहिए वो सत्ता के ऊपर काबिज रहे और इसलिए जो 2024 का चुनाव है ये ये तय करेगा कि भारत की कौन सी कल्पना अगले आने वाले कई दशकों तक इस भारत का भविष्य तय करेगी तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन मेनी वेज वी आर बैक टू 1947 ओह बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं मनीष जी हम एक बार फिर से उन्नीस वाले दो राह पर खड़े हैं बिल्कुल और हमें चुनना है कि इधर जाना है पाकिस्तान की तरफ जाना है नहीं या अच्छा नहीं, हिंदुस्तान नहीं, के अंदर नहीं, ही किस तरफ नहीं, जाना है देखिए अच्छा मैं वो गया। वो, गया। तो, वो तो तो जो बंटवारा था या उजाड़ा था वो तो हो गया तय ये करना है कि भारत की कौन सी कल्पना में ये देश विश्वास करता ओके ऑल आपको क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है हमारा देश इस चुनाव में क्योंकि 14 और 19 के नतीजे अगर देखें और इस बार के सारे सर्वे और जैसे कुछ पार्टनर्स भी छोड़ के इंडिया गठबंधन से एनडीए में गए आपकी पार्टी के नेता भी जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सबको लग रहा है इस बार चार पार होने वाला है देखिए मेरा ये मानना है कि ना तो सर्वे चुनाव तय करते हैं ना विश्लेषण और विशेषज्ञ चुनाव तय करते हैं चुनाव तय करते हैं इस लोग इस मुल्क की जनता 1977 में जब आ, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की थी तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि चुनाव का जो नतीजा है वो उनके अनुकूल नहीं आएगा जो चुनाव का नतीजा था वो आपके सामने था और इसलिए इस ये इस सवाल का जो जवाब है कि 2024 के चुनाव के नतीजे क्या होंगे एक बारी जब चुनाव की घोषणा हो जाए उसके बॉर्डर कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाए उसके बाद आप देखिएगा कि क्या माहौल बनता है मैं इसका उदाहरण आपको एक और देना चाहता हूं कि 2022 में जब पंजाब का चुनाव हुआ तो कोई ये कल्पना नहीं कर रहा था कि आम आदमी पार्टी की बानवे सीटें आएंगी कोई सर्वे ये नहीं बता रहा था कोई विश्लेषण ये नहीं बता रहा था आज जरूर आम आदमी वाले कहते हैं कि हमको मालूम था चलो दूसरी बात है पर जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद माहौल बहुत तीव्र गति से बदला, और उतनी ही तीव्र गति से दो साल बाद आज पंजाब में फिर माहौल बदला हुआ है पर आप तो आनंदपुर साहब से दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं मेरे ख्याल से इसमें तो अब किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए मनीष जी देखिए मैं पिछले पाँच साल से उस इलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि श्री आनंदपुर साहेब वो धरती है जहाँ पे खालसा पंथ की संरचना हुई तेरह अप्रैल सोलह सौ निन्यानवे को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वहाँ पे खालसा पंथ की सृजना की थी और पिछले पाँच साल से मुझे ये मान प्राप्त है कि मैं उस धरती की नुमाइंदगी हिंदुस्तान की लोकसभा में करता रहा हूँ और मेरी ये उम्मीद है कि मुझे दोबारा लड़ने का मौका दिया जाएगा ओके okay, यानी मनीष जी एक बार फिर चुनाव में कूदने के लिए तैयार है पर आपकी पार्टी लगता है आपको कि बावन से कुछ इस बार बढ़ेगी क्योंकि अलायंस में जितनी सेक्रीफाइसिस करने पड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी को दिल्ली की चार सीट देनी पड़ी अभी अनाउंसमेंट हो ही रहा होगा खबर आ गई गुजरात में दो सीट देनी पड़ रही है हरियाणा में भी शायद एक सीट देनी पड़ रही है चंडीगढ़ शायद आपको मिलेगी कांग्रेस को मिल रही है देखिए ऐसा है कि जब गठबंधन होते हैं तो उसमें लेन-देन तो होता ही है क्योंकि गठबंधन का मतलब ही लेन-देन है कि आप एक दूसरे के साथ जब आ, बातचीत करते हैं तो बातचीत तो तभी मुकरर होती है ना जब आप आ, आ, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है कुछ लेना पड़ता है और जिस गठबंधन का आप जिक्र कर रहे हैं अगर वो गठबंधन दिल्ली में होता है या हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में होता है वो गठबंधन सही रहेगा और बाकी राज्यों में भी अब जैसे उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया है समाजवादी पार्टी के साथ तमिलनाडु में डी के साथ गठबंधन है केरल में कांग्रेस और जो वामपंथी हैं वो अलग अलग लड़ते रहे हैं चाहे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो फिर एक बार इकट्ठे हो जाते हैं पंथनिरपेक्षता की बात पे और बाकी चीज़ों के ऊपर तो हर हर सूबे के अपने अलग अलग समय इससे मिक्स सिग्नल आपको लगता है नहीं जाएगा जनता के बीच के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं हरियाणा में साथ लड़ रहे हैं गुजरात में साथ लड़ रहे हैं गोवा में साथ लड़ रहे हैं चंडीगढ़ में साथ लड़ रहे हैं देखिए पंजाब की परिस्थिति कुछ अलग है और वो परिस्थिति इसलिए अलग है कि आम आदमी पार्टी सरकार में है और कांग्रेस पार्टी वहाँ पे मुख्य विपक्ष है तो अगर जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष वही वही मिल मिल जाएंगे मिल जाएंगे तो तो ये तो एक लोकराज के ऊपर इसका बहुत गलत असर जनता में संदेश कैसा जाएगा बीजेपी तो रोज ये कहती है कि बताइए पंजाब में एक दूसरे को गाली देंगे और दूसरी जगह मिलकर लड़ेंगे सबको पता लग जाएगा सत्ता के लिए एक साथ आए देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना बहुत ज्यादा ही अटपटा लगता है और मैं उसका उदाहरण देता हूँ जिस जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और पहली बार इतिहास में एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसी जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई और आपके अगर मेरे को तारीख सही से याद है आ, दो मार्च शायद 2015 को जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने तय किया था उसमें पहली चीज़ ये लिखी गई थी कि जम्मू कश्मीर का जो संवैधानिक ढांचा है उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं किया जाएगा ये 2015 में ने मैं कहा 2019 में क्या हुआ आइए आपके सामने है अच्छा और 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 विचित्र बात यह है कि आप जिस नीतीश कुमार को कल तक गाली निकालते रहे उसको अल्टू राम पलटू राम पत्नी क्या राम कहते रहे अब आपके लिए पलटू राम नहीं, नहीं नहीं और आज आज कहते के हैं आप फिर के के, उसके साथ सरकार बना के बैठे हैं तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करती है तो पहले उनको अपने <laughs> गिरफान में झाक के देख पर नुकसान तो आपका हो गया ना इस गठबंधन का नीतीश कुमार चले गए जयंत चौधरी चले गए गठबंधन तो कमजोर हुआ है ना देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अवाम एक बार तय कर लेता है कि उसको सरकार बदलनी है तो ये जितने गठबंधन हैं ये जितने समीकरण हैं इनका कोई मतलब नहीं रह रहता वो एक फैज़ अहमद फैज़ का बहुत बड़ा बहुत अच्छा शेर है कि जो दिल लगाने का ढब जानते हैं जो दिल लगाने का ढब जानते हैं वो तरकीब बरकीब सब जानते हैं <laughs> और जो तरकीब वरकीब सब जानते हैं जो तरकीब वरकीब सब जानते हैं वो ना दिल जानते हैं और ना ढानते हाँ। so इसलिए मैं, मैं तो समझता था कि आप सिर्फ राजनीति और कानून की किताबें पढ़ते हैं आप ये शेर वी भी पढ़ते हैं करते हैं क्या देखिए हमारे घर में परंपरा थी क्योंकि आ, आ, मेरे जो स्वर्गीय पिताजी थे वो लेखक होने के साथ साथ प्रोफेसर थे कंपैरेटिव मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के पर लेखक होने के साथ साथ वो शायर भी थे और जो उनकी किताबें थीं उनको साहित्य अकेडमी के कई पुरस्कार मिले थे तो एक हमारे घर में आ, संस्कृति का म्यूज़िक का आ, शायरी का एक कल्चर का माहौल रहता था तो उसका थोड़ा बहुत कह देते हैं गलत असर शायद मेरे पे पड़ गया होगा तो इंडिया अलायंस आपके हिसाब से मुझे पता है कि आप बहुत संभल कर बोलेंगे जब जनता तय कर लेती है सरकार बदलनी है फिर कुछ सामने नहीं आता लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और ये सरकार मोदी सरकार जा रही है देखिए एक बार जैसे मैंने पहले कहा चुनाव की घोषणा हो जाए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाए और लोग एक बार चुनाव के बारे में सोचना शुरू करें जैसे मैंने पहले कहा क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम है और एक बहुत बड़ी विडंबना है देखिए मैंने पिछले दस साल में एक आ, अजीब सा ट्रेंड देखा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश हो और चाहे देश हो अपनी परफॉर्मेंस पे चुनाव नहीं लड़ती भाई आप अगर सरकार में रहे हैं तो आपका ये उत्तरदायित्व नहीं बनता कि जो आपके किए हुए काम हैं आप उसके ऊपर चुनाव लड़ें और इसका जीता जागता उदाहरण कर्नाटक है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी चुनाव किस पे लड़ा गया बजरंगबली पे ओके मनीष जी लेकिन कोई तो वजह होगी कि नीतीश कुमार जयंत चौधरी फिर कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हाल के दिनों में छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इससे आपको क्या समझ में आता है कि उनको ऐसा लगता है कि इस बार ये सरकार वापस आने वाली है मोदी जी की और इसीलिए वो लोग जा रहे हैं या आपको लगता है कि वो देखिए मिसकैलकुलेटर देखिए चुनाव के पहले ये आना जाने का जो दौर है ये लगा रहता है और इसका मुख्य कारण ये है कि भारत की जो राजनीति है या भारत की जो सियासत है वो विचारधारा विहीन हो गई इट हैज़ देर हैज बीन द डेथ ऑफ आइडियोलॉजी तो वो जो एक uh, विचारधारा की सरहद हुआ करती थी वो विचारधारा की सरहद पूरी तरह से उसका विध्वंस हो गया मैं कुछ ऐसे गठबंधन गिना दूंगा और आपने बिल्कुल एक्सेप्ट भी किया कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया बीजेपी ने पीडीपी के साथ किया नीतीश जी ने इधर उधर इधर उधर चार बार कर लिया जयंत चौधरी ने इधर उधर इधर उधर कर लिया बहुत सारे नेता अशोक चौहान मिलिंद देवड़ा आपके पुराने साथी इतने पुराने पुराने नेता सब छोड़कर जा रहे हैं मैंने नेता पार्टी के तौर पर चलिए मान लिया आइडियोलॉजी नहीं रही पर इतने सारे नेता आपकी पार्टी से क्यों छोड़कर जा रहे हैं <coughs> देखिए ये तो सवाल उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि भाई वो क्यों छोड़ के गए हैं आ, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं जब आप उनको चाय पे बुलाएंगे <laughs> तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी कि कैन यू रिलेट टू देम क्योंकि मुझे याद है जी ट्वेंटी थ्री जब आपकी पार्टी में बना था आप भी उसका एक हिस्सा थे और आप भी कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलावों की मांग कर रहे थे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अब ऐसी शिथिलता आ गई है जिसकी वजह से इतना इतनी बड़ी बगावत हुई इतना बड़ा गुट बना और उसके बाद एक एक करके लोग जाने लगे पर इनमें से तो किसी ने नहीं मांगा था जब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी हाँ। तो इनमें से तो कोई भी नहीं हमारे साथ खड़ा हुआ था भाई जो आज गए हैं जिनके नाम ले रहे हो आप इनमें से तो कोई भी नहीं था तो अगर इनको तकलीफ थी या इनको लगता था कि भाई बदलाव की जरूरत है तो इन्होंने अपनी बात क्यों नहीं कही तो ये पद के लिए गए हैं लालच में गए मैं गये नहीं कह सकता कि किस लिए गए हैं किस लिए नहीं गए हैं पर जिस चीज़ का आप उल्लेख कर रहे हो या जिस चीज़ की का आप जिक्र कर रहे हो अगर आ, इनके मन में वो बात थी मैं ये नहीं कहता कि उनको किसी ख़त के ऊपर हस्ताक्षर करने चाहिए थे और मैं ये बात कई बार दोहरा भी चुका हूँ कि ख़त लिखने की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि उस समय कोविड का समय था और जो मिलना था वो मिलना संभव नहीं था और सिर्फ उस संदर्भ में ये ख़त लिखा गया था अगर सामान्य माहौल रहता तो कोई ख़त लिखने की आवश्यकता ना होती पर मीटिंग में वो बात तो उठाते हैं आमने सामने बात हो जाती जैसे प, पहले होती रही है तो उस बात का बिल्कुल पूरी तरह से एक बतंगड़ बन गया कि भाई पता नहीं कितना बड़ा विद्रोह कर दिया या कितना बड़ा विरोध कर दिया भाई अगर चिट्ठी किसी ने लिखी थी तो चिट्ठी क्या के कहते हैं कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी लिखी थी थी तो अपने ही अध्यक्ष को लिखी थी हाँ। तो एक लोकतांत्रिक पार्टी में हर कार्यकर्ता को यह अख्तियार है कि अपनी बात अपने नेताओं से आ, पर आप तो डाउन प्ले कर रहे हैं उसको जो तेईस नेता थे उसमें से उसमें से कई तो एक्चुअली पार्टी छोड़ गए ना बड़े बड़े नेता नाम छोड़ बता कपिल सिब्बल छोड़ गए गुलाम नबी आजाद चले गए उसके बाद आपको भी पता है तो आप ये कह रहे हैं उसका बतंगड़ बना दिया गया वो बात ही इतनी बड़ी थी मनी जी तेईस बड़े नेता अगर एक साथ नाराज हो जाए कोई 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 नाराज नहीं था कोई ये 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 बिल्कुल गलत है क्योंकि उनमें से बहुत से लोग अभी भी कांग्रेस में हैं हाँ। कांग्रेस ने कई लोगों को उसके बाद राज्यसभा में लेके आई है श्री मुकुल वासनिक ने उसपे हस्ताक्षर किए थे वो राज्यसभा में है विवेक तनखा ने उसपे ऊपर हस्ताक्षर किए थे वो राज्यसभा में है अखिलेश प्रताप सिंह ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे वो राज्यसभा में है रेणुका चौधरी ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में लेके आई है तो अगर ऐसी मतलब अगर अगर इसको आप विद्रोह मानते तो फिर पार्टी इन सब लोगों को क्यों राज्यसभा में लेके आती तो वो कोई विद्रोह क्या, क्या थे आपके क्यों आपने देखिए ऐसा है आ, एक चिंता थी कि भाई पार्टी हारे जा रही है बुरा हाल हो गया अगर हम दो बारी लोकसभा का चुनाव हारे हैं तो उसमें कुछ करेक्टिव की जरूरत है सिर्फ उस मंच जैसे से, क्या मतलब क्या चाह रहे थे वो तो, वो तो अब तो, आप के हो जो पूरी चिट्ठी थी, थी।, थी अगर आप उसको पढ़ लेते या आप उसको संज्ञान में ले लेते तो उसमें कई चीजें जो लिखी गई थी कई चीजों के ऊपर अमल भी, भी है आ, अमल भी हुआ है चुनाव भी हुआ खरगे जी अध्यक्ष भी बने तो अमल भी हुआ है तो ये तो चीजें पार्टियों में चलती रहती है खबर ये आई थी कि आपका भी नाम चला था कि आप भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे कमलनाथ जी का नाम चला आपका चला फिर शशि थरूर लड़े मल्लिकार्जुन खड़गे लड़े क्या आप भी लड़ना चाह रहे थे उस टाइम पे देखिए ऐसा है कि आ, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का अध्यक्ष रहा मैं भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और पार्टी में बड़े लंबे समय तक रहा हूं आ. मुझे नहीं लगता था कि मेरे में वो क्षमता है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ू मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है कई लोगों को अपने बारे में गलत फहमी हो सकती है पर मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक बहुत ही जिम्मेवारी का पद है और उस जिम्मेवारी का निर्वाहन करने के लिए जिस तरह की क्षमता चाहिए मैं नहीं समझता था कि मेरे में ये क्षमता है तो इसलिए ये जो अटकलें लगाई गई थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था ये तो बेबुनियाद अटकलें थी okay. जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो लड़, लड़ लिए <laughs> पर कांग्रेस पार्टी की इस बुरी हालत के लिए मनीष जी आप चालीस साल से देख रहे हैं कहां आ गए आज बावन सीटों पर आ गए दो तीन राज्यों में सरकार रह गई देखिए देखिए आपको सियासत को एक व्यापक परिपेक्ष में देखने की जरूरत है राजनीतिक दलों की जिंदगियों में ऐसे दौर आते हैं जब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सुंगड़ गई हों या सिमट गए हों और उसके बाद फिर वो फल फूल जाते हैं आपको याद होगा यही भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से शासन में है उनकी दो सीट थी लोकसभा में महज दो सीट थी लोकसभा में मैं 2010 की बात करूं, 2010 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ इस देश में तीन राज्यों में थी राजस्थान में छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और शायद क्या कहते हैं कर्नाटक में कर्नाटक में सरकार बिल्कुल जान, जाने की कतार पे थी आज भारतीय जनता पार्टी राज्यों सत्रह राज्यों में है और कई राज्यों में तो गठबंधन से है तो अगर आप इस घटना चक्र को या इस घटनाक्रम को एक व्यापक परिपेक्ष में देखें तो ये राजनीतिक दलों की जिंदगी में ये एक साइकिल है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है ओके आप भी मानते हैं यूपीए सरकार बढ़िया चल रही थी आप उस सरकार में मंत्री रहे सांसद भी रहे कुछ गलतियां ऐसी हुई यूपीए टू में खासतौर से जिसकी वजह से इतनी बुरी हार हुई और वहां से उबरने का आपको मौका ही नहीं मिला आपने कुछ शायद लिखा भी है ना वो कम्युनिकेशन में कुछ हेजिटेंसी थी आपकी यूपीए की टू सरकार में, जिसका नुकसान हुआ यूपीए की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्र दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस समय के जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल थे ये उनकी रहनुमाई में हुआ एक लाख छहत्तर हज़ार करोड़ के घोटाले का इल्ज़ाम गलत बेबुनियादी इल्ज़ाम अगर आप किसी सरकार के ऊपर लगाते हैं जिसकी आज तक पुष्टि नहीं हो पाई है जब उस आ, मामले को अदालत के सामने रखा गया अदालत ने सबको बरी कर दिया पर उसके कारण जो एक प्रसप्शन बना और आज दस साल हो गए आज चौदह साल हो गए मुझे आप ये बताइए जो टू जी घोटाला था शायद आप लोग भी पत्रकारिता में थे उस टाइम उस समय आप दिखाते थे कि कितने जीरो हैं इतने जीरो है, गिने भी नहीं जा सकते हैं वो स्क्रीन के ऊपर की जीरो 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 जीरो, जीरो, जीरो क्या हुआ आज दस साल बाद किस अदालत ने किसको दोषी ठहराया है किसी को नहीं पर आप परसेप्शन की लड़ाई हार गए ना? तो मैं वही बात ये कह रहा हूं कि अगर ये इल्जाम हमारे कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी लगाता तो वो बात और थी पर क्योंकि एक संविधानिक संस्था द्वारा लगाया गया इल्जाम था और जो आज तक प्रमाणित नहीं हुआ उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा यूपीए की सरकार को भुगतना पड़ा जिससे वो सरकार उस चार साल में इतना काम करने के बावजूद भी उभर नहीं पाई मैं जब इसके ऊपर संयुक्त संसदीय समिति बनी कि उन्नीस से लेकर 2009 तक जो संचार क्षेत्र है उसमें जो जो घटनाएं हुई हैं आ, उसकी उसका जायजा लेने के लिए उसमें एक बहुत लंबा क्रॉस एग्जामिनेशन सी एन जी का मैंने किया था और मैंने लोकसभा से कई बार अनुमति मांगी कि उसका जो बैटर्म है उसका मेरे को छापने का मौका दे दीजिए पर लोकब्लिक में हाँ लो, लोकसभा का ये कहना था कि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है और उस प्रिविलेज को मैं तोड़ना नहीं चाहता था पर अगर कोई किसी उस वर्बैटम को पढ़े अगर लोकसभा की लाइब्रेरी में वो अवेलेबल हो तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि वो जो रिपोर्ट सी एन द्वारा दी गई थी उसका ना सर था और ना पैर थे फीट ऑफ क्ले इट वॉज अ ऑफ कास्लफ परिवारवाद का आरोप कभी लगा है मनीष जी क्योंकि आपके जैसे आपने बताया नाना जी आपके मंत्री थे फिर आपके पिताजी भी सांसद थे आप पर परिवारवाद का आरोप या लग, या फिर अगर लगे तो आप क्या जवाब देंगे देखिए ऐसा है कि आ, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से अग्रसर तौर पर अपने पिताजी की हत्या के बाद जुड़ा उनकी असैसिनेशन के बाद मैं अग्रसर तौर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एन से जुड़ा था ये बात सही है कि उसी वर्ष मैं डी कॉलेज चंडीगढ़ का उपाध्यक्ष चुना गया था फिर हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनको किन्हीं कारणों वर्ष जाना पड़ा तो मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गया बट एक जो एक एक्टिव एसोसिएशन कहते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के छात्र संगठन से वो एसोसिएशन मेरा मेरे पिताजी के असैसिनेशन के बाद हुआ और मेरे नाना जी का देहांत उससे मेरे ख्याल 11 साल पहले हो गया मैं इसी पे आ रहा था मनीष जी वो सबसे आपके जीवन का मेरे ख्याल से मुश्किल दौर रहा होगा जब आपके पिताजी की हत्या हो गई देखिए वो पंजाब के लिए बहुत मुश्किल दौर था वो पंजाब आप के... कितने साल के रहे होंगे मैं उन्नीस साल का था तो वो पंजाब के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था वो दिन याद है आपको आपको कैसे खबर मिली थी नहीं नहीं वो देखिए उसमें मैं आपको इसको एक थोड़ा सा इसके परिपेक्ष में समझाना चाहता हूँ कि पंजाब में एक विचारधारा थी जिससे जिसका नेतृत्व मेरे स्वर्गीय पिताजी करते थे जिनका ये मानना था कि पंजाब की जो धरोहर है वो पंजाब पंजाबी और पंजाबीत हैं और आ, कुछ लोग और थे उनका ये मानना था कि पंजाब की जो कल्पना है वो संकीर्ण और सांप्रदायिक होनी चाहिए तो इन दोनों विचारधाराओं में एक बुनियादी फ़र्क था एक सुरजीत पात्र का शेर है कि पहला बारिश शाह नंड्या सी जब पंजाब का बंटवारा हुआ કે પહેલો વારસો આનું વંડ્યા છે હણ શિવકુમાર દી બારી હે પુરાને ઝખમ ભૂલ ગયે ઓ નવિયા દી તૈયારી તો ઓ જો એક બુનિયાદી બુનિયાદી લડાઈ થી ઉસમે ક્યોકી મેરે પિતાજી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ભી થે પ્રોફેસર ભી થે રાજસભા કે નોમિનેટેડ મેમ્બર ભી થે તો ઉનકા એક અપના उसमें स्वरूप था तो जो लोग उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे उन्होंने तीन अप्रैल उन्नीस को तो हमारे निवास स्थान चंडीगढ़ में आकर उनकी हत्या कर दी वो उनके स्टूडेंट बन के आए कि हम उनके स्टूडेंट हैं हम पटियाला से आए हैं जहाँ से मेरे पिताजी और माताजी थे और हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं सुबह छः सवा छः बजे आए तो हमारी जो जो लेडी थी जिनको जो घर को ज़्यादा देखभाल करती थी हम माता जी कहते थे उनको उन्होंने दरवाज़ा खोला उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं उन्होंने जाके मेरे पिताजी को बताया उन्होंने कहा ठीक है ड्राइंग रूम में बिठाओ मैं आता हूँ वो उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया और जब मेरे पिताजी ड्राइंग रूम में गए उन्होंने तो उनको नौ गोलियां मार दी तो इसलिए आप कहाँ थे उस समय मैं ऊपर अपने बेडरूम में था तो आपने सुनी गोलियों की आवाज अब मेरे को लगा कि जैसे कोई गैस सिलेंडर फटा है क्योंकि इस चीज का तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि दर 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 तो जब तक मैं नीचे आया तो वो जिसने भी गोली मारी थी वो भाग चुका था एक ही एक ही था नहीं तीन थे तो एक गाड़ी था अब एक ने चलाई दो ने चलाई ये वो अपना क्लैरिटी नहीं है क्योंकि जब वो जब उन्होंने गोली चलानी शुरू की तो मेरी माता जी जो उनका बेडरूम नीचे ही था मेरे फादर और मदर का वो भागती आई अपने बेडरूम से और उन्होंने उसको पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो उसने झटका के उनको फेंका और उनको शूट करने की कोशिश की पर तब तक गोलियां ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने जितनी भी मेरे ख्याल माउज़र में नौ गोलियां थी वो सारी क्या कह कहते हैं मेरे पिताजी पे चला दी थी तो जब तक मैं नीचे आया तो वो सोफे को पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे तो क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर थी पी चंडीगढ़ में थी और हम वही डॉक्टर्स कॉलोनी में रहते थे तो मेरी मदर उनको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गई और मेरे को कहा कि जो जिन डॉक्टर्स की जरूरत थी उनको घर से इकट्ठा करके ले आओ सो जब तक आ, मैं उनको लेके गया डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की पर वो डैमेज इतना था कि आ, उनकी कोशिश के बावजूद वो नहीं बच पाए आज भी याद करते होंगे आप उस दिन को वो दिन कहाँ देखिए ऐसा है कि है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में ना बात करूँ आपने पूछ लिया तो मैंने उसका जवाब दे दिया पर आ, मेरी कोशिश ये रहती है कि आ, इस चीज़ को अगर आ, मैं अपने दिलो दिमाग में दबा के रखूँ तो वही ज़्यादा बेहतर है मैंने आ, पिछले 40 साल में शायद ये दूसरी बारी है कि इस घटना के बारे में सार्वजनिक तौर पे आ, कोई चर्चा की हो मैं चाहता हूँ कि इस रैपिड फायर राउंड में भी मनीष जी बिना डरे बेबाक तरीके से जवाब देंगे रैपिड फायर राउंड मनीष तिवारी पहला सवाल आपके लिए देश का सबसे बड़ा अच्छा वकील मनीष तिवारी किसे मानते हैं जिनकी दो दिन पहले जिनका देहांत हो ओके वो उनसे बड़ा लीगल ल्यूमिनरी मुझे नहीं लगता कि वर्तमान okay. भारत के इतिहास में कोई रहा हो और इज अ बिग लॉस टू लीगल फ्रिटर्निटी अगला सवाल देश का सबसे अच्छा वक्ता आप किसे मानते हैं सबसे अच्छा बोलने वाला नेता देखिए एक हिंदी की कहावत है कि जब वक्ता प्रवक्ता बन जाता है तो ऐसा लगता है जैसे करेले पे नीम चढ़ा हो गया <laughs> तो अब तो, करेले पे नीम चढ़ो का है आप ना ही करें तो बेहतर ओके बेस्ट पॉलिटिकल माइंड हिंदुस्तान में आप किसका मानते हैं कभी अहमद पटेल का जिक्र होता था फिर शरद पवार का जिक्र होता था आपके हिसाब से कौन है कभी कभी अमित शाह का नाम लिया जाता है देखिए भारत में जो सबसे बेहतरीन राजनीतिक माइंड था हाँ। वो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी थे कि कभी <laughs> किसी ने इस बात की कल्पना करने की कोशिश नहीं की कि जब यू नो संवाद के संचार के कोई साधन नहीं हुआ करते थे जब ये देश में नब्बे प्रतिशत लोग अ, अ, असाक्षर थे उस समय उसने एक पूरे मुल्क को जगाकर खड़ा कर दिया और एक ऐसा अहिंसा का तजुर्बा किया जो दुनिया के इतिहास में कभी हुआ ही ना ठीक है, ओके। आप <coughs> मनीष जी, आपको मैं कोई भी टॉपिक दूंगा, सरदार प्रताप सिंह सरदार प्रताप सिंह कह रो से बेहतर मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि कोई रहा और अगर पंजाब के बाहर पूछूं तो okay. देखिए उसके ऊपर मैंने कभी अपने माइंड को अप्लाई नहीं किया है।, है बट मेरा यह मानना है कि सरदार प्रताप सिंह कह रहा हूं बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री और देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर किसे मानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ओके आपने तो मनमोहन सिंह के साथ काम भी किया देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की न्यू रखी थी आज आप नेहरू को जितनी मर्जी गाली दे, 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 दे लीजिए पर अगर इस आज ये देश उस मकाम पर पहुंचा है कि जिसके ऊपर हम और आप अपने मुल्क के ऊपर गर्व करते हैं तो उसकी न्यू और बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक है और बीजेपी का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर चुनने को कहा जाए तो या गैर कांग्रेसी चुनने को कहा जाए तो देखिए इसके ऊपर मैंने कोई अपना ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया है तो मैं इसका इसका जवाब नहीं दे ओके बेस्ट कांग्रेस अध्यक्ष मनीष तिवारी के हिसाब से कौन रहा है देखिए कांग्रेस के कहते बहुत एक लंबी परंपरा रही है बहुत वरिष्ठ लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं अगर आपने ये सवाल मुझसे पूछने थे तो अगर मुझे थोड़ा सा समय दे देते बिकॉज ये ऑफ द जवाब देना सही नहीं देश है। का सबसे मेहनती नेता मनीष जी कैसे मानते हैं जैसे एक लोग कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी हैं तीन दिन काम करते हैं दिन में 18 19 घंटे काम करते हैं एक भी छुट्टी मैं मैं सबसे मेहनती नेता राजनीतिक कार्यकर्ता को मानता हूं क्योंकि अगर इस देश में लोकतंत्र जीवित है चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो वो इस देश का राजनीतिक कार्यकर्ता okay. है ना जिसको तनख्वाह मिलती है ना जिसको पेंशन मिलती है ना उसको सहूलत मिलती है और वो है जिसने इस देश की लोकतंत्र को जीवित रखा। सबसे जुझारू नेता आप कैसे मानते हैं रेजिलियंस परसिवियरेंस जिसमें सबसे ज्यादा हो देखिए अगर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी क्योंकि रजिलियंस और परसिवियरेंस की अगर आप बात करो कि जो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई जो सातवें बीड़े के खिलाफ खड़ी हो गई जिसने बांग्लादेश की संरचना कर दी उन्नीस के बाद दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप बदल दिया तो वो तोरेंस और परसिस्टेंस और सबसे लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान में आज तक आपके हिसाब से मुझे लग रहा है महात्मा गांधी कहेंगे देखिए ये 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 इस नो रिलेटिव है बिकॉज हाँ। आपके बहुत सारे लोग रहे हैं जिनको इस देश ने बहुत प्यार और आदर और सत्कार दिया है भाई सीटें तो सबसे ज्यादा राजीव गांधी की आई थी लेकिन अगर लोकप्रियता देखी जाए महात्मा गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा तो कह नहीं सकते पर आपने कहा ना जैसे पूरे देश को उन्होंने जोड़ दिया था देखिए मैं मैं मैं, इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो बाइनरीज है मै ना यस और नो की ये बाइनरीज कुछ उम्र के बाद okay. और, और वैसे मैं इतना बुजुर्ग नहीं हुआ उम्र के बाद नो, कुछ मुश्किल हो जाती है आप तो दिल्ली में भी रहते हैं काफी समय बिताते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं मनीष जी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली का बेस्ट सीएम आप किसे मानते हैं अब तक का क्या सोचा नहीं मेरा, मेरा यह मानना है क्योंकि आपने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछ लिया है कि अगर आप सही में दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम करने का मौका देना दे, देना चाहते हैं चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो तो या तो दिल्ली को पूर्ण दर्जा दे दीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए कि उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ये जो एक हाफ स्टेट ये जो हाफ स्टेट <laughs> बनाया हुआ है इससे शीला जी ने तो इसी में बहुत बढ़िया काम किया देखिए तीन, तीन बार बनी देखिए देखिए ये कोई दो राय नहीं है कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का आ, स्वरूप बदल दिया था और आ, मेरा यह मानना है कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हो और क्योंकि नेशनल कैपिटल होने के कारण उसमें एक दिक्कत आती है तो जो दिल्ली की तरक्की या दिल्ली की प्रोग्रेस हुई है वो कहीं ज़्यादा होती और आज ये सबसे बड़ी समस्या क्या है आप भी दिल्ली में रहते हो मैं भी दिल्ली में रहता हूँ तो, पाँच सौ ए क्यू आई आप रोज क्या के कहते हैं जहर आ अंदर आ आपने अंदर आपने लेते हो तो किस तरह की राष्ट्रीय राजधानी एक, है? एक और गुगली डालू जी हाँ बोलिए अरविंद केजरीवाल को दस में से कितने नंबर देते हैं सीएम के तौर पर देखिए मैं कोई नहीं होता नंबर देने वाला पर ये जरूर कह बात तो सही है कि एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ उनको और एक बार नहीं कई कई बार दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस तो को जीरो आई <laughs> <तरजी नहीं> <laughs> अच्छा, तो दस में से कितने नंबर देते हैं देखिए ऐसा है कि पांच साल का कार्यकाल पूरा हो जाए फिर वो जो फैसला है लोकसभा चुनाव में आप क्या कहेंगे देखिए लोकसभा चुनाव में तो बहुत सीधा है हाँ। कि ये भारत के संविधान को भारत का जो बुनियादी स्वरूप है उसको बचाने की लड़ाई है ये कोई पंजाब की सरकार बदलने की लड़ाई थोड़ी है वो जो पंजाब की सरकार है वो तो पंजाब की जनता 2027 में फैसला करेगी ये दिक्कत ये है इस मुल्क में कि हम ये भूल जाते हैं कि ये पंचायत का चुनाव है ये ब्लॉक समिति का चुनाव है ये म्यूनिसिपल कारपोरेशन का चुनाव है विधानसभा का चुनाव है कि लोकसभा का चुनाव okay, okay. है और हम भूल जाते हैं लोक नहीं भूलते हैं okay. <coughs> सिद्धू जी से कैसे रिश्ते हैं आपके नवजोत सिंह सिद्धू से बहुत मधुर रिश्ते हैं अच्छे रिश्ते बहुत मधुर रिश्ते हैं कैसा काम किया सिद्धू जी ने अभी तक पंजाब में कांग्रेस के लिए पहले बीजेपी में थे वो देखिए ऐसा है कि अब किसी व्यक्ति विशेष की कोई मैं मूल्यांकन नहीं करना चाहता आपने एक सवाल पूछा था कि कैसे रिश्ते हैं हाँ। मैंने उसका जवाब दे दिया कि बहुत मधुर रिश्ते हैं <laughs> ठीक है ओके मनीष जी मानना पड़ेगा दाद देनी पड़ेगी आपकी आपने बहुत बहादुरी से बहुत बेबाकी से सारी गुगली भी खेली के, के थैंक यू थैंक यू सो मच मनीष जी थैंक यू सो मच